कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश की करोड़ों आस्थावान जनता ने सालों से एक ही स्वप्न देखा था, प्रभु श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या को उसके प्राचीन गौरवशाली रूप में देखना। और सैकड़ों सालों के संघर्ष, हजारों लोगों के बलिदान, लाखों लोगों के धैर्य और करोड़ों लोगों की अटूट आस्था के कारण ये स्वप्न साकार हुआ भाद्रपद कृष्ण द्वितीया संवत 2077। तदनुसार 5 अगस्त सन 2020 को अभिजीत मुहूर्त में, जब देश के यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर हेतु भूमि पूजन हुआ। एक ओर जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से इस स्वप्न को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी एकाग्रता से लगे हुए हैं, वहीं उनके मार्गदर्शन में सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या को उसका गौरवशाली स्वरूप देने, श्रद्धालुओं की सुविधा और उन्हें सुखद और समृद्ध अनुभव देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वप्न एक है, अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रमुखतम आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करना। इस स्वप्न को साकार करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, अयोध्या आस्था क्षेत्र को सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना। दूसरा, अयोध्या आस्था क्षेत्र को सर्वसमावेशी वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करना। और तीसरा, अयोध्या विकास क्षेत्र को सतत आत्मनिर्भर नगर के अनुरूप विकसित करना। विभिन्न परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। अयोध्या पहुंचने के लिए वायु मार्ग को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, सुखद रेल यात्रा के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना और सुविधाजनक सड़क यात्रा के लिए विभिन्न शहरों से अयोध्या पहुंचने वाले मार्ग को 4 और 6 लेन में परिवर्तित किया जाना। अयोध्या में आने वाले 6 प्रमुख मार्गों पर श्री राम मंदिर के डिजाइन से प्रेरित भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाने की योजना है। इसके साथ ही धर्मशालाओं का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिनमें 30,000 श्रद्धालु रात्रि विश्राम कर सकते हैं। भव्य अयोध्या की परिकल्पना के तहत नगर के 13 किलोमीटर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग के दोनों ओर रामायण कालीन वृक्षों की छाया भी उपलब्ध कराई जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर और सुग्रीव किले से श्री राम मंदिर के मार्ग निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत समेकित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा रहेगी। अयोध्या की प्रमुख आध्यात्मिक यात्रा पंचकोशी के मार्ग को विश्व स्तरीय बनाने के साथ साथ संपूर्ण परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले 208 पौराणिक महत्व के स्थलों पर अनुसंधान कर उनको भी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करवाया जा रहा है। अयोध्या के चारों ओर 65 किलोमीटर की बाहरी रिंग रोड का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या के निकट 1200 एकड़ में पूर्ण रूप से वैदिक संदर्भों के अनुरूप एक नई टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से आश्रम, मठ, उच्च स्तरीय होटल, राज्य के तथा अन्य इच्छुक देशों के अतिथि गृह बनाया जाना प्रस्तावित है। हरित ऊर्जा, प्रदूषण मुक्त गतिशीलता और इको फ्रेंडली सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले इस उपनगर के बीच में एक ब्रह्म स्थान रहेगा, जिसका संरेखण श्री राम मंदिर के शिखर के अनुरूप होगा। सरयू नदी के दोनों ओर के तटीय विकास की परिकल्पना इस नगरी की शोभा में अभिवृद्धि करेगी। गुप्तार घाट से जानकी घाट तक के विकास और सुंदरीकरण की परियोजना जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भव्य पर्यटन सुविधा केंद्र नया घाट के निकट बनाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा श्री राम कथा संग्रहालय को उच्चीकृत करते हुए विश्व स्तरीय डिजिटल संग्रहालय बनाया जा रहा है। राम अरण्य एक अभिनव परिकल्पना है, जिसमें सरयू तट पर स्थित जमथरा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से श्री राम स्मृति वन का विकास प्रस्तावित है, जिसमें श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की कथाओं को विभिन्न माध्यमों से सजीव किया जाएगा। स्थानीय, क्षेत्रीय, एक दिवसीय तथा राष्ट्रीय परिपथों को जोड़ते हुए अयोध्या के पर्यटन को विकसित किया जा रहा है।
रामायण सर्किट की भांति सप्तपुरी सर्किट में भी अयोध्या को जोड़ने से पर्यटन विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दीपोत्सव 2021 से सरयू जी में क्रूज का संचालन प्रस्तावित है। भविष्य की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुंडों का नगर कहे जाने वाले अयोध्या के 108 से भी अधिक कुंडों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। वर्तमान में सूर्य कुंड और भरत कुंड का विकास कार्य प्रगति पर है। अतीत की भव्यता, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की तैयारी के उद्देश्य के साथ बनाई गई इन योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये योजनाएं वृहद हैं, किंतु जिन प्रभु श्री राम के नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बांध दिया गया था, वही प्रभु श्री राम इन सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत हैं भय हो पर्वता आकारा। जय श्री राम।